Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So पहला बात तो शायद वेलकम बैक नहीं, वेलकम टू द न्यू चैनल, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो जो कि दूसरे चैनल पे डाला था उसमें बताया था कि मैं नया चैनल लॉन्च करने वाला हूँ इस तरीके के कंटेंट के लिए, क्योंकि उधर बहुत मिक्सअप हो रहा था, ट्यूटोरियल एंड इस तरीके का कंटेंट बहुत मिक्सअप हो रहा था एंड लोगों को इस तरह का कंटेंट दिखने को नहीं मिल रहा था एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि रोड मैप कहाँ है, ये कहाँ है, आप ऐसे बताओ. सो इसीलिए मैंने सोचा कि एक दूसरा चैनल बनाते हैं सो दैट कंटेंट जो है वो सेग्रीगेट हो जाए. इसका ये मतलब नहीं है कि उस चैनल पे वीडियोज नहीं डालेंगे, नहीं, उस चैनल पे हर वीक आपको वीडियोज देखने मिलेंगे पक्का से एंड इस चैनल पे रेगुलरली संडेज को, यस सिर्फ संडेज को आपको एक वीडियो देखने मिलेगा. एंड और एक चीज बता दे रहा हूँ, इस चैनल पे मैं जनरली हिंदी में बात करूंगा, शायद मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो अगर मैं गलती से कहीं गलती कर दूं तो मजाक मत उड़ाना एंड कमेंट सेक्शन पे बता देना कि इधर हिंदी खराब था. जनरली मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मतलब इंग्लिश काफी अच्छा है बट हिंदी उतना अच्छा नहीं है. सो शुरू करते हैं. सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीटकोड के बारे में. नाउ आप जब भी कोई सीनियर से पूछो कि भैया मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ या दीदी मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, शायद सीनियर आपको एक ही चीज बोले कि भाई लीटकोड कर ले या फिर भाई जीएफजी कर ले. तो जब कोई बोलता है कि भाई लीटकोड कर ले, इसका क्या मतलब है? जीएफजी कर ले तो वो तो हम लोग शायद कोई दूसरे वीडियो में समझे, बट इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जब कोई बोलता है कि लीटकोड कर ले इसका मतलब क्या है, राइट? सो आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि जब हम लीटकोड बोलते हैं तो उस पर हम लोग एग्जैक्टली कैसे प्रैक्टिस करें. सेकेंड चीज जो हम लोग समझने वाले हैं वो ये है कि हम लोग जब क्वेश्चंस सबमिट करते हैं तो लीटकोड पे हम लोग समझे कैसे, क्या हम लोग का सोल्यूशन करेक्ट है, हम लोग के लिए कौन सा बेस्ट सोल्यूशन हमें सीखना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ये सब चीजें और कई डिफरेंट फीचर्स जो लीटकोड में है वो सब जानने वाले हैं. और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितना लीटकोड हमें करने से एक रेफरल के चांसेस बढ़ते हैं, जैसे शायद हमने सीपी नहीं करी है या फिर हमने थोड़ी सी सीपी करी है तो उस सेंस में हमें कितना लीटकोड करना चाहिए सो दैट रेफरल के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाए. इस तीन की पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं. ना सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं, आप कितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर क्यों ना हो, अगर आप अमेज़न हो गया या फिर गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अडोबी हो गया, इस सब के इंटरव्यूज में बैठ रहे हो, तो आप कितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर क्यों ना हो, आपको लीटकोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बाइनरी ट्रीज हो गया, बाइनरी सर्च ट्रीज हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब यूज नहीं होते हैं. तो उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको लीटकोड या फिर जीएफजी का प्रैक्टिस सेक्शन हो गया आपको करना पड़ेगा. नाउ मैं ये वीडियो लीटकोड पे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आप जब लीटकोड का यूआई देखते हो, लीटकोड के जो फीचर्स देखते हो वो बहुत बहुत अच्छा है जब आप कंपेयर करते हो कोई भी और प्रैक्टिस साइट से. सो चलिए शुरू करते हैं लीटकोड के बारे में. सो हम लोग लीटकोड पे आ चुके हैं. सबसे जो पहला चीज है, ज्यादा फैसिनेट नहीं होना है जो इतने सारी चीज ये लोग भर के रखे हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग इतने सारे चीज से फैसिनेट हो जाते हैं तो हम लोग जो मेन चीज है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं. सो जो चीज हम लोग के लिए जरूरत है वो है प्रॉब्लम्स. सो हम लोग प्रॉब्लम्स पे जाते हैं. नाउ जब आप लीटकोड शुरू कर रहे हो सो सबसे जो पहला चीज है जो आप करोगे वो है कि आप इजी प्रॉब्लम्स करोगे, क्योंकि जब आप शुरू कर रहे हो इसका मतलब आप फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, राइट? सो सबसे पहला जो चीज है आप क्या करोगे, डिफिकल्टी को इजी डाल दोगे, राइट? एंड आप ट्राई करोगे इजी प्रॉब्लम्स करने का. नाउ यहाँ पे एक्सेप्टेंस बोल के एक चीज है, आपको अगर सबसे इजी प्रॉब्लम्स करना है आप एक्सेप्टेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, अगर आपको टफ प्रॉब्लम्स करना है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो. इस तरीके से आपको पहले इजी प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा, राइट? एंड जब आप बोलते हो इजी तो आपको कितने इजी करना चाहिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप 30-40 इजी प्रॉब्लम्स कर लेते हो तो आपकी जो बेस है वो काफी है. मतलब जरूरी नहीं है कि आप 200-300 इजी प्रॉब्लम्स करो, क्योंकि उसमें आप उतना नहीं सीखते हो. सो 30-40 कर लिया, थोड़ा आइडिया हो गया इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है, कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग अप्रोच करते हैं, उसके बाद आपको मीडियम पे शिफ्ट कर जाना चाहिए. ज्यादा दिन आपको इजी पे नहीं देना चाहिए, उसके बाद आप इजीली मीडियम पे शिफ्ट कर जाओ. एंड जब आप मीडियम पे शिफ्ट करते हो सेम तरीके से आप एक्सेप्टेंस को डिसेंडिंग में कर लो, एंड आप लेट्स से 30-40 मीडियम करो एक्सेप्टेंस को ऐसे करके, फिर आप एक्सेप्टेंस को उल्टा कर दो एंड आप उल्टे तरीके से 30-40 करो. तो मेरा मानना है कि अगर आप 150-200 मीडियम सवाल कर लेते हो तो आप काफी मतलब अच्छे स्टेज पे हो जाओगे. लाइक आपका इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स, आपके एल्गोरिदम्स, आप काफी कुछ सीख जाओगे. एक बार आपने इजी मीडियम कर लिया उसके बाद आप हार्ड पे जा सकते हो, राइट? उसके बाद आप ऑब्वियसली फिर से अगेन हार्ड पे चले जाओगे. एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हार्ड पे आप डिफिकल्टी एक्सेप्टेंस का जो है
वो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डालें, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस है आप उसको पहले करें, क्योंकि हार्ड है राइट। तो आप अगर हार्ड में भी एक्सेप्टेंस कम वालों करोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप एक्सेप्टेंस को इसमें उल्टा करके कीजिए राइट। एंड इसमें और एक भी फीचर है फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर लीटकोड प्रीमियम लेते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चलती है, लाइक कौन से कंपनी में कितना पूछा गया है, कब पूछा गया है, ये सब पता चलते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा लीटकोड प्रीमियम, क्योंकि बहुत ओवर प्राइज्ड है एंड जो फीचर्स देते हैं मेरे को नहीं लगता है कि उतना जरूरी है। लाइक कौन से कंपनी में आप बस ये क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो, आप जीएफजी में पेस्ट कर सकते हो, आपको जीएफजी के नीचे कंपनी टैक्स मिल जाएंगे कौन से कंपनी के। तो जरूरी नहीं है कि आप लीटकोड प्रीमियम लेके पता करो किस कंपनी के राइट। एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस लॉक्ड रहेंगे राइट। सो इस लॉक्ड का क्या मतलब है, लॉक्ड का ये मतलब है कि सिर्फ लीटकोड प्रीमियम पे चलेंगे। सो अभी क्या आपको लीटकोड प्रीमियम लेना जरूरी है? नहीं, पहले 300-350 सवाल कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब लीटकोड के सवाल हो गए, अब आपको और अच्छे अच्छे सवाल करने हैं, तब आप प्रीमियम लो। बट प्रीमियम लेने से पहले आप एटलीस्ट 250-300 सवाल अपने साइड से कर लो ना। और एक चीज इसमें बहुत अच्छा फीचर है, अगर आपको कोई भी सवाल करना है, कोई भी सवाल करना है कोई भी टॉपिक पे, आप यहाँ पे टॉपिक्स है आप चूज कर सकते हो। एंड अगेन सेम प्रोसेस में आप कर सकते हो, लेट्स से आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में 255 प्रॉब्लम्स है, आप जाओ उधर एज यूजुअल फिर वैसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक चीज भी है, अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस करनी है तो लीटकोड ने अपनी टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बना कर रखी है। सो आप टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस पे अगर क्लिक करोगे आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप देख रहे हो तो मैंने इस पे बहुत सारी करी हुई है, एंड ये इसलिए करी हुई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर है एसडी शीट से, जो कि बहुत लोग सॉल्व करते हैं एंड उनकी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स लगती है। सो आप एसडी शीट भी फॉलो कर सकते हो, आप एसडी शीट का प्रॉब्लम उठाओ, आप उसपे उसको गूगल सर्च करो एंड उसके पोस्ट फिक्स पे लीड कोड लिख दो, तो आपको लीड कोड का प्रॉब्लम लिंक मिल जाएगा और आप एसडी शीट का प्रॉब्लम भी लीड कोड पे कर सकते हो राइट। तो ये हो गया प्रैक्टिस का तरीका, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है अगर आप न्यूबी हो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रैक्टिस करना है तो आप कोई भी शीट उठा सकते हो, आप मेरी एसडी शीट उठा सकते हो या फिर कोई भी आप जीएफजी पे कंपनी टैक्स उठा सकते हो। एंड फिर आपको वो सवाल क्या करना है, गूगल पे विथ लीड कोड डाल के आपको सर्च करना है, आपको लीड कोड का लिंक मिलेगा और आप उसको सॉल्व कर लो। तो आप ऐसे मेरे एसडी शीट के 180 सवाल भी आप करते हो तो आप बहुत इंटरव्यू प्रिपेयर्ड हो जाओगे। एंड वो शीट जो है वो बहुत लोगों ने सॉल्व करी है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक छोड़ दूंगा ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हो कि मैंने 270 प्रॉब्लम्स किए हैं, मैंने कम करे या फिर ज्यादा करे ये मैटर नहीं करता, मैंने ऑलमोस्ट 60 सवाल करे हैं ईजी के, 150 मीडियम के एंड 40-50 हार्ड के करे हैं। मैंने 270 ही क्यों किया, क्योंकि मैं बहुत सीपी करता था तो मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी उधर बहुत ज्यादा थे। इधर मैंने क्या किया, जैसे बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब के बहुत सवाल करे क्योंकि ये सब पे मेरी उतनी प्रैक्टिस या फिर होल्ड नहीं थी, या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग जो इंटरव्यू बेस्ड होता है मैंने वो बहुत करा है इधर, इसलिए मेरा सिर्फ 270 है राइट। ना अभी नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जब आप कोई भी सवाल करते हो तो आप समझोगे कैसे उसका जो बेस्ट सोल्यूशन कैसा है राइट। सो मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, कलर्स ठीक है, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या बोलता है कि आपको सॉर्ट करना है राइट, आपको एक एरे दिया है 201 का एंड आपको सारे को सॉर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, मैं सॉर्ट लिख दूंगा, अगर मैं इसको सबमिट करूं तो आप देख रहे हो ये क्या आता है, रन्स फास्टर देन 100% ऑफ C++ ऑनलाइन सबमिशंस। बट आपको इस पे नहीं जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट बिकॉज आपने ये सबमिट किया, क्योंकि सॉर्ट अगर आप 012 के एरे कर दोगे तो आपको आ जाएगा आंसर। तो आप अगर ये सबमिट करोगे तो इसकी आपको दिखाएगा कि 100% से फास्टर है। तो अगर आप एक नए बंदे हो आप क्या सोचोगे, हाँ भाई यही सोल्यूशन तो सही है, मेरा सही होगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप नए प्रॉब्लम पे चले जाओगे। लेकिन ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही डेविएटिंग फैक्टर है मैं बोल सकता हूँ। सो आप जो ये 100% देख रहे हो ना, फास्टर देन 100% ऑफ ऑल सबमिशंस, ये बहुत डिविएटिंग चीज है, आपको इस पे फोकस नहीं करना है। आप जब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पहला जो मैं टिप दूंगा, आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करो राइट। आपने कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है, आप इधर सोल्यूशन सेक्शन में जाओ, इस वाले का लॉग्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लीटकोड प्रीमियम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस डिस्कशन फोरम पे जाओ ठीक है। एंड आप इधर क्लिक करो मोस्ट वोट्स ठीक है, कोई नियरस्ट टू ओल्डेस्ट नहीं, आप सीधा मोस्ट वोट्स क्लिक करो। आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको जो पहला वाला सोल्यूशन मिलेगा ना, आप खोल लो, पहले 4-5 सोल्यूशन खोल लो ठीक है। मैंने पहला खोला, मुझे इसमें आंसर कुछ मिला ठीक है। अब मुझे आंसर नहीं समझ में आया तो मैं नीचे कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, कमेंट्स पे भी रिप्लाईज है, मैं उसको पढ़ सकता हूँ। जनरली मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं जो मोस्ट वोटेड सोल्यूशन है वो देखता हूँ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखता हूँ, फिर मैं अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कमेंट्स में मैं फिर उसके रिप्लाईज पढ़ता हूँ, सो दैट मेरे को इंट्यूशन एज वेल एज जो कोड है क्लियर हो जाए। कभी कभी मेरे को बहुत शॉर्ट कोड चाहिए होता है तो मैं देखता हूँ, कोई कोई ऐसा देखता है जैसे पाइथन जावा
पाइथन कोड इन 10 लाइंस या फिर यहाँ देख रहे हो 5 लाइंस ऑफ सी प्लस प्लस कोड, तो मैं ऐसे सोल्यूशन देखने की कोशिश करता हूँ सो दैट मेरे को कॉम्पैक्ट कोड भी मिले एंड साथ ही साथ मेरे को बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी की कोड भी मिले. सो देखा गया है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, इसका बिग ऑफ एन सोल्यूशन है, ये एन लॉग एन है सॉर्टिंग का. सो अगर आप 100% से जाते हैं तो आपको बेस्ट सोल्यूशन पता ही नहीं चलता, लेकिन आप जब बिग ऑफ एन की सोल्यूशन सबमिट करोगे तो देखा जाएगा वो बोलेगा फास्टर देन 60%. सो उससे डेविएट नहीं होना है, इंपॉर्टेंट ये है आप कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करो एंड जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप उस पर ही फोकस करो. ठीक है, जो दूसरा चीज, आप कभी भी जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसकी एक बार लाइक और डिसलाइक रेशियो देख लेना. हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम पे बहुत डिसलाइक्स पड़ी है, सो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना. राइट, अगर लाइक और डिसलाइक रेशियो सही लग रहा है तो ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है लीटकोड पे. सो हम लोग बात कर चुके हैं क्या प्रैक्टिस करना है, कहां से बेस्ट सॉल्यूशंस देखेंगे और किस चीज से डेविएट नहीं होना है. अब हम बात करते हैं हमें क्या करना पड़ेगा सो दैट लोग हमारी लीटकोड प्रोफाइल को अप्रिशिएट करें. पहला चीज तो हमें रेगुलर सॉल्व करना पड़ेगा. राइट, वी हैव टू बी मच मोर कंसिस्टेंट. जब मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज किए आप फिर 15 दिन बात करो, नहीं, आपको हर दिन करना है, आपको हर वीक करना है, आपको हर मंथ करना है, आपको 6-7 महीने लगातार करना है अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं हो. एंड जब आप कर रहे हो ऐसा नहीं है सिर्फ इजी करना है, आपको मीडियम भी करना है, हार्ड भी करना है. ठीक है, सो पहला बात है कंसिस्टेंसी, ये लोग देखते हैं जब आपको रेफरल दे रहे हैं. सेकंड बात है ऐसा नहीं आपको सिर्फ 100 प्रॉब्लम करने, नहीं, आपको 250, 300, 350 प्रॉब्लम करने है. ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग 450 प्रॉब्लम कर चुके हैं, मैंने तो उतना नहीं करा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट मिनिमम 250 या 300 प्रॉब्लम एटलीस्ट करो एंड क्वालिटी प्रॉब्लम करो. इजी प्रॉब्लम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको कुछ नहीं सिखाएगा, आप जितने क्वालिटी प्रॉब्लम्स करोगे आप उतना सीखोगे. सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. सेकंड चीज, आप लीड कोड पे चैलेंजेस होते हैं. राइट, लीड कोड पे वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, लाइक अगर आपको दिखेगा यहाँ पे वीकली कॉन्टेस्ट होता है. सो मे लीड कोडिंग चैलेंज है ये. सो हर मंथ या फिर हर वीक जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं लीड कोड पे ट्राई करो वो देने का. मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वो देना है, क्योंकि आप जब वो दोगे आपको एक लाइव एनवायरमेंट मिलेगा, जैसे कोडिंग राउंड्स में होता है वहां टाइमर चलेगी, वहां आपको सोल्यूशन सबमिट करने का मौका मिलेगा. तो आप इन रेस्पेक्ट कोडिंग राउंड्स के लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो सकते हो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कोडनेशन या फिर डायरेक्ट आई के कोडिंग राउंड्स के लिए प्रिपेयर हो गए लीड कोड करके, मैं ये बोल रहा हूँ अमेजन जैसी कंपनी या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अडोबी हो गए, ये सब कंपनी में जो कोडिंग राउंड के लेवल होते हैं बहुत, मतलब उतने ऊपर नहीं होते कंपेयर टू कोडनेशन डायरेक्ट आई के जितने होते हैं. सो आप लीड कोड के इधर से देखिए आप कोडिंग राउंड के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो एंड आप वापस अपना प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हो. एक चीज बस मेक श्योर कर लेना, कॉन्टेस्ट के बाद बेस्ट सोल्यूशन चेकआउट कर लेना, डिस्कशन फोरम हो गया या फिर कहीं से भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन. ये नहीं कि आपका एक्सेप्ट हो गया तो वो बेस्ट पॉसिबल है, नहीं, बेस्ट हमेशा वो होता है जो आपके डिस्कशन फोरम पे बेस्ट सोल्यूशन दिया. बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट मानी जाती है, ना कि रन टाइम, उससे लाइक जो 100% फास्टर वो बेस्ट नहीं कहा जाता. ठीक है, सो ये चीज आप देख लेना. सो अगर आप 250 से 300 करते हो एंड फिर आप किसी को भी पिंग करते हो जिसने सीपी नहीं करा, जो सिर्फ लीड कोड करके बड़े कंपनीज में गए, वो आपके प्रोफाइल को जरूर जरूर भाव देगा एंड शायद आपको रेफरल भी दे दे. बस ऐसा नहीं कि आपने लीड कोड करा है एंड आप रेफरल सीपी के बंदे से मांग रहे हो. सो यहाँ शायद बंदा शायद खुश ना हो लीड कोड से. सो मेक श्योर आप जिससे भी रेफरल मांग रहे हो उस बंदे ने भी लीड कोड करा है, वो उतना सीपी में नहीं हो, तो आपको लीड कोड से इजिली रेफरल्स मिल जाएंगे. सो मैंने ऑलमोस्ट सारी एडवाइसेस दे दी जो आपको लीड कोड से रिलेटेड फॉलो करनी चाहिए. सो अगर आप करते हो आप शायद लीड कोड से बहुत ज्यादा गेन कर सकते हो. सो विद दिस मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, मतलब अच्छा लगा हो नहीं लगा हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और विद दिस इस वीडियो को मैं रैप अप करना चाहूंगा, बट बिफोर रैपिंग अप अगर आप इस चैनल पे न्यू हो एंड आपने सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज मैं इस चैनल पे बहुत सारा वीडियोज लाने वाला हूँ, बट हाँ सिर्फ हर संडे, क्योंकि बाकी थ्रू आउट द वीक मैं दूसरे चैनल पे फोकस करने वाला हूँ. एंड अगर आपने मेरा दूसरा चैनल टिकी फॉरवर्ड चेकआउट नहीं किया सो प्लीज चेकआउट कीजिए, क्योंकि उधर काफी ट्यूटोरियल्स मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे. सो सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको पक्का से क्लिक कर देना एंड विद दिस चलो नेक्स्ट संडे मिलते हैं और इस वीडियो को शेयर कर देना. बाय बाय.